हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संगम हिस्ट्री 91 में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम चलते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं सर हमें जो भी परफेक्ट वैल्यू स्क्वायर वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो बहुत सारा समय लग जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कुछ संख्या जैसे हमें 4 का वर्गमूल निकालना है, 9 का वर्गमूल निकालना, तो आप बता सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएँ होती हैं जिसकी परफेक्ट वैल्यू निकालने होती है, वो आप नहीं बता सकते हो। तो आज हम आपको बताएंगे, मात्र एक सेकंड में आप उसको देखकर ही उड़ा सकते हो किस तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं। आप देख सकते हैं कि 4 का यानी 4 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 2 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। और 16 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 15 का आप वर्गमूल निकालो तो आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको हम बताएंगे, मात्र एक सेकंड में आप देख कर ही उड़ा सकते हैं। आप 19 को हम कैसे लिखेंगे, 19 के पास ऐसी कोई संख्या ले जिसका वर्गमूल बन जाए, कौन सा हम लेंगे, 16 हम लेंगे। ठीक है, क्यों, 4 चक क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, 4 चक क्या होता है, 16 होता है। तो हम क्या करें, 16 में कितने ऐड करें, हमारे पास 19 आ जाएँ, या हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, वो भी रूट से बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, 3 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब 16 को क्या करो, बाहर निकालो, कितने, 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 अपोन में, इसके जो अपोन में संख्या आती है, बटे में संख्या होती है, यहाँ पर जो संख्या होती है उसका दुगना हो जाता है। 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 8, 8 चौक 32, 32 3 कितने हो जाएंगे, 35। ठीक है, और 8 से दे दो भाग, 8 चौक 32 कितने बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, फिर 30 आ गए, 8 चौक 32, 8 3 24। ठीक है, फिर 6 बचे हमारे पास, पॉइंट लगाया, 0 उड़ा लिया, तो 8 7 56, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, 4.37 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो। अब चलते हैं 26, 26 का हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, 26 को ऐसे कोई आसपास में संख्या लो जिसका इसका वर्गमूल बन जाए, क्या लिखेंगे हम, 25। ठीक है, अब 25 हमने लिख ली, 25 में कितने ऐड करें हमारे पास, कितने आ जाएंगे, 26, यानी 1 ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 25 को आप बाहर निकालो, कितने, 5, और या बन के बटे में वही संख्या आएगी, यहाँ पर इसका क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। ठीक है, दुगना कितना, 10 हो जाएगा, 10 5 50, 50 से कितना, 51 बटे में कितने, 10, 10 हटाएंगे तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 5.1 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं 40, 40 का कैसे निकालें। ठीक है, ऐसी कोई संख्या लें जिसका वर्गमूल बन जाए, हमने आपको बता दिया, कितने, 7 7 49, 6 6 36 कर लो, यानी 36 कितने ऐड करने पड़ेंगे, 4 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 36 को निकालोगे, 6 और प्लस के 4 बटे कितने, यहाँ पर जो संख्या होती है उसका दुगना लिखते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो 3 6 18, 18 1 कितने हो जाएंगे, 19 बटे 3, 3 से काट दो, 3 6 18, पॉइंट लगा, 1 बढ़ा था, 0 बढ़ा लिया, 3 3 9, फिर 3 3 9, यानी 6.33 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 52, इसका कैसे 52 का निकालेंगे, ऐसी कोई संख्या ले लो जिसका वर्गमूल किसके इसका आसपास मर रहा हूँ, 7 7 49 49 ले लें। ठीक है, कितने ऐड करने पड़ेंगे, 3 49 को निकालो, 7, अब यहाँ पर 3 अपॉन में कितना, 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितनी संख्या आएगी, इसका जो आप यहाँ पर जो संख्या होती है उसका दोगुना, 7 दूनी 14। ठीक है, 4 7 98 98 3 कितने, 101 आ जाए, अपॉन 14। ठीक है, तो 14 7 98 कितने बचे, 3, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ा लेंगे, 14 2 28, फिर 2 बचे और फिर 0 बढ़ा लेंगे, 14 1 14, यानी 7.2 बना, यानी 2 1 8। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, कृपया कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें, और जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी वीडियो कैसे लगी और किस तरीके से आपको समझ में आया। ठीक है, तो हो गया होगा जो वर्गमूल निकालते हैं बहुत ही कम समय। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।